10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नया एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं एग्री और डिसएग्री, जिसकी हिंदी होती है सहमत होना या असहमत होना। करेक्ट। डे टू डे लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं, कई मोमेंट्स होते हैं जहां पर हम अपने दोस्तों की बातों से या रिश्तेदारों की बातों से या तो सहमत होते हैं या तो असहमत होते हैं। राइट। अगर हम सहमत होते हैं तो हम एग्री वर्ड का यूज करके उसकी बात को सपोर्ट करते हैं, और अगर हम डिसएग्री होते हैं यानी असहमत होते हैं, यानी कि हम यह बताते हैं कि हमारी थॉट्स आपके थॉट्स से भिन्न है। राइट। डे टू डे लाइफ में ऐसे कई ऐसे मौके आते हैं, जैसे पार्टीज में हुआ, प्रोग्राम्स में हुआ, सेमिनार्स में हुआ, जहाँ पर हम ये नॉर्मल एक्सप्रेशंस का यूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं। आज वही एक्सप्रेशन हम सीखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। Expressions regarding agree or disagree, right? मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वह नेता बहुत अच्छा है, यानी कि उस नेता के बारे में मेरे फ्रेंड ने कुछ बातें बताई। मैंने कहा I agree with All you say, I agree with all you say. यानी कि मैंने अपने दोस्त से कहा मैं सहमत हूं जो कुछ भी तुम कहते हो या हमें बताते हो। करेक्ट। हमारा अगला एक्सप्रेशन, हम जब सामने वाले को अपनी कुछ बातें बताते हैं और उसके बाद हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि वह हमारी बातों से सहमत होगा, तो वहां पर हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं? आई होप दैट यू एग्री विथ मी, मैं आशा करता हूं या उम्मीद करता हूं आप मुझसे सहमत होंगे। यानी कि जब हम सामने वाले को अपने थॉट्स बताते हैं और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं उस थॉट्स को बोलने के बाद कि वह हमसे उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर एग्री होगा, यानी सहमत होगा। करेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, मैं पूर्ण रूप से यानी 100% आपसे सहमत हूं। कंप्लीटली का मतलब 100% सेंस हो गया, यानी कि आपने जो भी कहा
मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, यानी कि आपकी बातों से मैं सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ, राइट? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, करेक्ट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन, सामने वाले ने मुझे चार बातें बताई, उन चार बातों में दो बातें मुझे नहीं समझ में आई, ओके? तो मैं उससे कहूंगा, आई डिसएग्री ऑन द लास्ट टू पॉइंट्स। उसने मुझे चार पॉइंट्स बताए, लेकिन उन चार में से मैं दो पॉइंट्स पे डिसएग्री हूं, तब मैं ये एक्सप्रेशन यूज करता हूं, आई डिसएग्री ऑन द लास्ट टू पॉइंट्स, राइट, विथ यू। इसके आगे हम विथ यू वर्ड भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट? अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, हियर यानी यहां पर आपस में हम लोग कोई बात कर रहे हैं, उस बात पर कोई पॉइंट ऐसा आया, वहां पर मैंने कहा यहां मैं असहमत हूं, यानी कि पर्टिकुलर उस विषय पर, पर्टिकुलर उस पॉइंट पर मैं क्या हूं, असहमत हूं, करेक्ट? अब हम आगे देखते हैं, कई बार लाइफ में ऐसा मौका होता है कि सामने वाला कई बातें बताता है, कहानियां बताता है, तो यह मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि हम उसकी सारी बातों पर भरोसा यानी यकीन करें, या हम उसकी बातों पर अपनी सहमति दें। तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी It's difficult for me to agree with you on this point. इस पॉइंट पर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कठिन है कि मैं सहमत हो जाऊं आपसे, ओके? नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम Not convinced by your arguments. मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूं। Agree के स्थान पे हम convince word का भी use करते हैं। Convince का मतलब क्या होता है? Convince means होता है सामने वाले ने किसी बात पे हमको अपने फेवर में करना चाहा, यानी कि वह जो भी कहता है और उसकी बात मेरे गले से नीचे उतर जाती है, इट मींस मैं उसकी बातों से सहमत हो गया, कन्विंस हो गया, राइट? यानी मैंने उसको असहमति नहीं शो की। तो वहां पर हम एग्री के बजाय इंस्टेड ऑफ एग्री कन्विंस वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, करेक्ट? I am not convinced by your arguments. I am not convinced by your arguments. Any doubt? इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें दो तीन और एक्सप्रेशंस देखते हैं, ओके? एक एक्सप्रेशन और हो सकता है, कई बार हम देखते हैं दोस्ती में, रिश्तेदारी में एक दूसरे से लोग असहमत होते हैं, करेक्ट? तो वहां हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं,
इवन द फ्रेंड्स समटाइम्स Even the friends sometimes disagree with one another, right? अगर friends ज़्यादा हैं तो हम one another लगाएंगे, अगर दो दोस्तों की बात कर रहे हैं तो each other का word का हम use करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और expression हम पढ़ सकते हैं, Even the relatives sometimes disagree with each other. अगर दो रिश्तेदार हैं, right? या दो अलग-अलग ग्रुप हैं, तो वहाँ हम वर्ड यूज करेंगे with each other. Correct? हमारा लास्ट एक्सप्रेशन, ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 8 था स्टूडेंट्स, मैंने 1, 2, 3 लिख दिया है, बट हमारा एक्सप्रेशन नंबर 8 है, ये 9 है, और जो हम अगला लिखने जा रहे हैं वो 10 है, करेक्ट? सामने वाला कई बार रेस्पेक्टेड पर्सन होता है, या थोड़ा सीनियर टाइप का पर्सन होता है, ओके, राइट? वो अपनी बातें जरूर बताता है, लेकिन अगर उसके सामने वाला व्यक्ति जूनियर हो, लेकिन उसकी नॉलेज अच्छी हो, तो वो माफी मांगते हुए अपनी बात रखता है, करेक्ट? आई एम सॉरी, वो पहले माफी मांगता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी टू डिसएग्री, विथ यू ऑन दिस पॉइंट, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे इस पॉइंट पर असहमत हूं, राइट? ऑफिस वगैरह का जो कल्चर होता है, अगर हमारे सामने सीनियर है, अगर वो अपनी कोई बात रखता है और हम उसके अंडर में काम करते हैं और हमें उसकी बात पर असहमति शो करनी होती है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल के हम आई एम सॉरी सेंटेंस यानी एक्सप्रेशन का यूज करके एग्री और डिसएग्री वर्ड को यूज करते हैं, करेक्ट? आई एम सॉरी टू डिसएग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। हम इसके आगे सर, मैम, जो भी सामने वाला हो जिससे हम असहमत होते हो, वो भी हम शब्द लिखते हैं, करेक्ट? एनी डाउट? एक और एक्सप्रेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, You may be right, आप सही हो सकते हैं, but I can't quite agree on this point. On this point, on this topic, on this issue. इशू मीन्स मुद्दा, टॉपिक मीन्स विषय, पॉइंट माने पर्टिकुलर एक बिंदु या एक पॉइंट, राइट? तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे एग्री और डिसएग्री यानी सामने वाले की बात से सहमत असहमत होते हैं, और हम अपनी बात कितनी पोलाइटनेस के साथ सामने वाले से रखते हैं, राइट? अगर हम एग्री होते हैं तो हम उसे सपोर्ट करते हैं, यानी कि उसकी बात पर हम राइट अपना यस कहते हैं। अगर हम सामने वाले के थॉट से डिसएग्री होते हैं तो हम जो है अपनी बात का समर्थन नहीं करते हैं। डे टू डे लाइफ में, इन डे टू डे लाइफ दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड अ लॉट, राइट स्टूडेंट्स? आपको बार बार इस एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो दीज एक्सप्रेशंस, एज आई टोल्ड मेनी टाइम्स, कई बार मैंने कहा कि आपको ये एक्सप्रेशंस राइट बार बार प्रैक्टिस करने हैं, ओके? तो पहले इसको नोट करिए,
फिर आगे देखते हैं हम एक आज एक्सप्रेशन, इसके बाद एक और एक्सप्रेशन सीखते हैं, राइट? यस स्टूडेंट्स, अब हम एक अगला एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं बेफिक्री या निश्चिंतता का भाव। बेफिक्री या निश्चिंतता का भाव दर्शाने के लिए हम बॉदर वर्ड का यूज करते हैं या केयर वर्ड का यूज करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। Expressions regarding botheration or care. Expressions regarding to care ya bother, बेफिक्री या निश्चिंतता, right? Okay, किसी की लाइफ में कुछ घटनाएं होती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन सामने वाले की सेहत पर, तबीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कौन सा एक्सप्रेशन देता है? वो कहता है who cares, who cares? Who cares? कौन परवाह करता है, किसको पड़ी है, राइट? इसी की जगह हम who bothers भी लिख सकते हैं। Who cares? Who bothers? किसको पड़ी है, कौन परवाह करता है, कोई जी रहा है, मर रहा है, यानी कि बेफिक्री है, निश्चिंता है, राइट? हमारा सेकंड एक्सप्रेशन, कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है लेकिन आपको इसकी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप बिल्कुल निश्चिंत हो, आप कहते हो ठीक है बुराई कर रहा है करने दो, तो वहां पर हम कौन सा एक्सप्रेशन देते हैं? आई डोंट केयर एट ऑल, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता, राइट? कि दुनिया वाले मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं स्टूडेंट्स? आई डोंट केयर एट ऑल, यानी कि मैं मस्त होके, बिंदास होके, राइट, विद अ जॉली नेचर अपना मैं काम करता हूं। तीसरा सेंटेंस, What happens to me? He never cares. मुझको क्या होता है वह इसकी कोई परवाह नहीं करता। What happens to me? He never cares. यानी कि वह स्वार्थी है, selfish है, अपने आप से मतलब रखता है। मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में, इससे उसकी कोई मतलब नहीं है। तो हम जो एक्सप्रेशन देते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए
व्हाट हैपेंस टू मी ही नेवर केयर्स। सपोज दो दोस्त हैं, राइट, या तो जीवन साथी हैं, वाइफ और हस्बैंड हैं, राइट। हस्बैंड को अपने लक्ष्य को पाना है, टारगेट को पाना है लाइफ का, मैरिज तो हो गई है, राइट। तो कभी कभी गुस्से में अगर वाइफ ने कह दिया कि मुझे क्या होता है दिन भर में, वो कभी परवाह नहीं करते, यानी कि ही नेवर केयर्स, करेक्ट। इसी तरह से कई ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं पार्टीज वगैरह में भी, ओके, कोई किसी के बारे में कुछ कहता है तो वहां पर हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, आई डोंट केयर एट ऑल, राइट। मैं तो एक खुली किताब हूं, आई एम एन ओपन बुक, जिसको आना है आए, पढ़े जाए, राइट। हमारा चौथा एक्सप्रेशन, आई डोंट बॉदर, आई डोंट बॉदर वॉट पीपल से अबाउट मी, करेक्ट। इसी से मिलते जुलता एक और एक्सप्रेशन हम सीख सकते हैं, आई डोंट बॉदर और केयर वॉट पीपल टॉक अबाउट मी, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो केयर और बॉदर के बारे में बात करते हैं, राइट। यानी कि हम किसी चीज के प्रति बिल्कुल बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इसके आगे भी आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताते हैं। यस स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसमें कुछ और एक्सप्रेशंस आपको बताने जा रहा हूं, ओके। हमारा अगला एक्सप्रेशन है, व्हाई बॉदर अबाउट इट, आपको उसकी फिक्र क्यों, करेक्ट, आपको इसकी फिक्र क्यों। हमारा अगला एक्सप्रेशन, व्हाई शुड आई केयर फॉर हिम, व्हाई शुड आई केयर फॉर हिम, मुझे उसकी चिंता क्यों हो, मुझे उसकी चिंता क्यों, या मैं उसकी चिंता क्यों करूं, राइट। व्हाट डू आई केयर, व्हाट डू आई केयर, मुझे क्या, जिसकी मर्जी है जब आए जाए, जब सब अपने मालिक खुद हो गए हैं या लापरवाही कर रहे हैं तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना काम सही तरह से करना है, करेक्ट। हमारा लास्ट एक्सप्रेशन, आई नेवर बॉदर I never bother my head about it.
मैं अपने मस्तिष्क को कभी इस मामले में कोई तकलीफ देता ही नहीं। मैं अपने मस्तिष्क को इस मामले में कभी कोई तकलीफ देता ही नहीं। राइट? यानी कि मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में निश्चिंत रहता हूं, बेफिक्र रहता हूं, जो होना होगा होगा। राइट? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, अगर मैं ये सोचूंगा तो मैं अपना काम कहां कर पाऊंगा? राइट? तो मुझे अपना काम करना है। आई हैव टू डू माई जॉब, आई हैव टू डू माई वर्क ऑनेस्टली। स्टूडेंट्स, डे टू डे लाइफ में आपको ये एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं। राइट? जब हम अपनी बेफिक्री या निश्चिंतता का भाव एक्सप्रेस यानी भाव बताते हैं या सामने वाले को शो करते हैं, तो वहां पर हमें केयर या बॉदर वर्ड का यूज करना पड़ता है। राइट? पार्टीज में कोई किसी से बात करता है, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी की बुराई कर रहा है या कोई किसी के बारे में कोई कमेंट्स करता है, तो कुछ लोग उसे अनदेखा करते हैं, कुछ लोग बेफिक्र रहते हैं। राइट? कुछ लोग कहते हैं कि जिसको जो कहना है वो कहेगा, मेरे रोकने से तो रुकेगा नहीं। यानी कि मुझे जो करना है अपने जीवन में, दैट आई नो वेरी वेल। करेक्ट? तो ये एक्सप्रेशंस आपको अपने लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जिनको आप प्रैक्टिस करके अपने टंग पे वेलकम कर सकते हैं। राइट? तो इसको नोट करिए, और अब हम फिर अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एक्सप्रेशन के साथ। करेक्ट? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक यू।